पार्टी आई मेकअप लेके आई है जो कि ग्लिटर आई मेकअप है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ब्यूटीफुल आईज लगेंगी आपकी। एक बार इसे करके ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, एक चीज़ बताऊंगी, तो आपके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो वॉच करनी है और बिल्कुल 5 मिनट में हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वेलकम बैक टू माई चैनल फिट ब्यूटी एंड फिटनेस। ये देखिए, ये आई मेकअप के लिए जितना भी सामान मैं यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें हैं। ये ब्रशेज हैं, बहुत सारे ब्रशेज हैं, सिग्मा ब्यूटी के हैं, बहुत अच्छे ब्रशेज हैं। इस ऐसे ब्रशेज आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, बहुत से ब्रशेज मिल जाते हैं। और ये देखिए, ये न्यूड हमारा आई पैलेट है जो कि मेरा बेस्ट आई पैलेट है। बहुत सारे आई पैलेट भी हैं मेरे पास जो कि मैं ज़्यादातर न्यूड का जो आई पैलेट है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा शेडो लेना है, जो कि हमारा पर्पल शेड लेना है हमें, और हमारी आईज़ पे अप्लाई करना है, जो कि हमारी आईलेड है उस पर अप्लाई करना है। देखिए पर्पल इसमें बहुत ही प्यारा है। तो अगर आपके लिए ये आई पैलेट लेना है तो आप अमेजोन पे ले सकते हो, फ्लिपकार्ट पे, सभी ऑनलाइन शॉप पे मिल जाता है, बहुत ही बजट में मिलता है। तो आप इस तरीके के देखिए, आप ब्रश ले लेना जो कि हमारा सिग्मा ब्यूटी का ब्रश है, बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है जो कि आपकी आईज़ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। ये देखिए, ये शेड लेने के बाद हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है अपने आईलेट के ऊपर। अब हमें कौन सा शेडो लेना है, जो कि हमारा शेड है हमारा ब्लैक, ब्लैक शेड लेना है हमें। ग्लिटर आई मेकअप कर रहे हैं और जो कि कट क्रीज लुक दे रहे हैं उसके लिए, तो आपके लिए कोई भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये कट क्रीज आप देखिए, हल्की सी आईज ओपन करना तो आपकी जो लाइन बन जाती है बस उसी पे ही आपके लिए अप्लाई करना है। कट क्रीज आई मेकअप इतना टफ नहीं है, आप हल्के से आईज को ओपन करोगे तो वो लाइन बन जाएगी, बस उसी पे आपके लिए ब्रश को अप्लाई करना है, इनर और आउटर साइड पे। फिर उसके बाद नीचे आईलेट पे ले जाके जिस तरीके से मैंने मूव किया है ब्रश को, जिस तरीके की शेप दी है मैंने आईलेट को, बिल्कुल उसी तरीके की शेप आपके लिए देनी है। ब्लैक शेड इतना प्यारा है, शेडो बहुत ही प्यारा है और आपकी आईलेट को एक अलग ही लुक देता है। अब ये हमने ग्लिटर ले लिया है जो कि हमारा सिल्वर है, बहुत तरीके का वैरायटीज़ का मिल जाएगा आपके लिए मार्केट पे, ऑनलाइन भी मिल जाएगा तो आप परचेस कर सकते हो, बहुत बजट फ्री मिल जाते हैं तो आप ले सकते हो। और फिर अपनी आईलेट के ऊपर पे, इनर आउटर साइड पे और सब जगह आपके लिए अप्लाई कर लेना, जो हमारी लिड है आईलेट के ऊपर ही अप्लाई करना है। अब इसे करने के बाद हमें आईलाइनर नहीं लगाना है, ना ही हमें कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल करनी है लिक्विड वाली। हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लैक कलर का शेडो था उसी से ही हमें आईलाइनर के जैसे अप्लाई कर लेना है, थोड़ा सा फिनिशिंग दे देनी है। फिर उसके बाद हमें काजल अप्लाई करना है अपनी वाटर लाइन पर। काजल अप्लाई करने के बाद हमें वही ब्रश लेना है जो कि हमने ब्लैक शेडो लिया था, शेड लिया था, उसे हम अपनी वाटर लाइन के नीचे अप्लाई करेंगे एक स्मोकी लुक देने के लिए। स्मोकी लुक बहुत ही प्यारी आपके आईज लगेंगी, आप इतने प्यारे लगोगे, कोई सी भी पार्टी वियर मेकअप है, कोई सी भी ड्रेस के साथ आप करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा है। आप ये नहीं है कि हर तरीके की ड्रेस पहनो, आप उस तरीके की ड्रेस पे अप्लाई कर सकते हो, हर तरीके का आई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये कर रहे हो तो। आप उसके बाद थोड़ा सा ग्लिटर लेके अपने आईलेट के नीचे अप्लाई कर लेना। फिर हमें क्या लेना है, मस्कारा। मस्कारा सिग्मा ब्यूटी का, ये कोई सी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो जो आपके लिए पसंद हो। मस्कारा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी हमारी आईलैशेस लॉन्ग लगे और एक अच्छा ही हमारी आईलैशेस पे एक लुक आए, आपका आई मेकअप बिल्कुल अलग सा ही लगे कि किसने करा है आपका आई मेकअप, ये सब लोग पूछें तो, कहीं पार्लर में तो नहीं करा के आए, ये आप लोगों से लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमें जो डुप्लीकेट आईलैशेस हैं वो भी लगाना है क्योंकि उनसे आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लुक देता है। और देखिए, मैंने लेंसेज यूज़ करे हैं तो आप ये नहीं है कि मेरी आईज़ ऐसी हैं, लेंस यूज़ करिए, आपका और भी ज़्यादा अच्छा मेकअप लगेगा, आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। अगर आपके लिए ये अच्छी लगा हुआ है आई मेकअप तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए।